तो फाइनली JKSSB की ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ चुका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मैं बात करूंगा। एडमिट कार्ड 28 एडमिट कार्ड में कह रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम 28 जैन को होने जा रहा है। अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो 22 जैन से लेके 28 जैन तक का टाइम दिया जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो तो JKSSB के कॉन्टैक्ट नंबर है जम्मू डिवीजन का भी, श्रीनगर डिवीजन का भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप इन्हें मेल भी कर सकते हो। जो ऑफिस और वर्किंग आवर रहता है आप उसी टाइम पर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, अगर आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा नोटिस, हालांकि ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा किस तरह से आपको लॉगिन वगैरह करना है, किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अगर प्रॉब्लम है आप JKSSB से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात। दूसरी तरफ बात करें फीमेल सुपरवाइज़र की, अगर हम बात करें तो JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र की जो हम क्लासेस स्टार्ट भी कर चुके हैं, पहले आपको डाउट था कि स्पेशलाइजेशन की क्लासेस अब स्टार्ट करी जाएंगी। जो सेक्शन ए था 60 मार्क्स का, वो तो ऑलरेडी कवर हो ही रहा था जेके लेटेस्ट वो यूट्यूब चैनल पर। अब जो स्पेशलाइजेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो टोटल 120 मार्क्स का सेक्शन आपका रहता है, पेपर रहता है, उसकी तैयारी आपको करवाई जा रही है जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं आप जाके वीडियोस देख सकते हो, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। जिसने स्टार्ट ही नहीं करा वो तैयारी स्टार्ट कर सकता है, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पर दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक तो ये कि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे जो अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते, कहा गया था कि एडिट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा 15 जनवरी के बाद, बट वो अभी तक हुआ नहीं है। अब उसको कई सारे एस्पिरेंट्स वेट करें, वो जल्दी से एक्टिवेट होना चाहिए। बट उससे भी बड़ा ये है कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की ना, लास्ट डेट से अगर मैं बात करूँगा, अगर ऐसा होता कि 4 से 5 दिन पहले स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम आती फेस करने में, अलग बात थी। लेकिन एस्पिरेंट्स जो है लास्ट डेट से 15 से 20 दिन पहले ही प्रॉब्लम बता रहे थे कि अप्लाई नहीं कर पा रही है, फी डिडक्ट हो गई है, या कई और तरह के रीज़न सामने आ रहे थे। तो उन एस्पिरेंट्स ने अप्लाई करना था, उन्हें टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि JKSSB ने पहले भी कई बार फॉर्म एक्सटेंड किए लास्ट डेट स्टूडेंट्स की डिमांड पर, और इस बार तो जेन्युइन डिमांड है। इस बार भी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होने चाहिए। लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद एडिट का ऑप्शन भी एक्टिवेट होना चाहिए। आप ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे डिमांड कर रहे होंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट पता लग सके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि लास्ट डेट एक्सटेंड और साथ ही साथ एडिट ऑप्शन भी एक्टिवेट करा जाए। तो फिलहाल ये अपडेट्स जो आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू एंड जय हिंद।